लोग पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर हजारों लीटर पानी बह रहा है। क्या कर रही है लोग, क्या झक मार रहे हैं लोग? आइए देखें, यहाँ पर मौत का कुआं खुलेआम है। वहां पर किसी की भी मौत हो सकती, किसी का भी हादसा हो सकता है। कमिश्नर को कॉल लगा रहो, कमिश्नर फोन नहीं रिसीव करता। वहां पर रिश्वतखोरी कमिश्नर के लिए वहां पर नौकरी करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। शहर की जिम्मेदारी एलएनटी के ऊपर रखने से काम नहीं होगा। लोग आपको वोट डालकर भेजते हैं, घरों के अंदर बैठकर खाली सियासत करने के लिए आप वोट नहीं डालते। आवाज कई डेढ़ महीने से, अगर कोई अगर हादसा होगा आप लोग जिम्मेदार होंगे। मैं वार्निंग कर रहा हूँ आप लोगों। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। गुलबर्गा शहर के हागरगा रोड सपना होटल के करीब सर्विस रोड पर पिछले डेढ़ महीने से वाटर पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कॉरपोरेशन और एलएनटी डिपार्टमेंट को कई कंप्लेंट्स देने के बावजूद इस इशू को सॉल्व नहीं किया गया। इस इशू पर सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट ने नाराजगी जाहिर कर कहा, एक मामूली पाइप लीकेज इशू को सॉल्व करने के लिए ऑफिशियल्स महीने लगा रहे हैं और पिछले डेढ़ महीने से 10 फीट डीप गड़ा खोदा गया है, जिसमें अगर कोई गिर जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। गुलबर्गा शहर के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह हजारों लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल्स हर दिन रिश्वतखोरी और कमीशन लेने में बिजी हैं। शहर के हर इलाके में रोड, नल, ड्रेनेज जैसे हजारों इशू हैं, पर इनको सॉल्व करने में सालों गुजर जाते हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है कि इन इशूज पर वो गौर करें और कॉरपोरेशन एलएनटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स पर प्रेशर डाल इस इशू को सॉल्व कराएं। पिछले डेढ़ महीने से यहाँ पर रिंग रोड पे सपना होटल के करीब जो खमर कॉलोनी को जो मेन लाइन जाती है पाइपलाइन, डेढ़ महीने से वो लीकेज है। वो डेढ़ महीने से आज तक एलएनटी के जानिब से, कॉरपोरेशन के जानिब से उसको रिपेयरिंग का काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी यहाँ पर बह रहा है और किसी को कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर नारे लगाते हैं सेफ वाटर के नारे लगाते हैं, ये सेफ वाटर है। हजारों लीटर जो लोग पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पर पानी जाया जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं। चार चार बार खोदते हैं, एलएनटी वाले आते हैं, उनके एलएनटी में अंदर गुत्तेदारों का और लेबरों का आपसी मामला वहाँ पर चल रहा है और हमारे कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं वो सिर्फ चैम्बर के अंदर एसी के अंदर बैठकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। उनको बाहर आना होगा, देखना होगा कि यहाँ पर हालत क्या है। यहाँ पर हजारों लीटर पानी बह रहा है, उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं। गुत्तेदार एक काम करता है, वो एलएनटी का सुपरवाइजर आकर खड़े होकर वहाँ पर काम करता है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। वहाँ पर चार बार खोदे, मामले वहाँ पर पैकिंग नहीं कर सक रहे, वहाँ पर खुला रखे हैं। वो 10 फीट डीप है वहाँ पर, जो गड़ा खोद के रखे हैं 10 फीट डीप है। अगर वहाँ पर कोई मासूम बच्चा अगर वहाँ पर जाता है, अगर गिर जाता है तो बहुत बड़ी हादसा होने के इम्कानात है। वहाँ पर कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिया गया, खुला रखा गया है, वो ओपन है। वहाँ पर एक मौत का कुआ खुलेआम है। वहाँ पर किसी की भी मौत हो सकती, किसी का भी हादसा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर किसी की कानों में जू नहीं रह रही। कमिश्नर को कॉल लगा रहा, कमिश्नर फ़ोन नहीं रिसीव करता। अगले एलएनटी वाले को जिम्मेदारों को फ़ोन लगाते हैं, उनको कोई ये नहीं है। डेढ़ महीने से काम कर रहे हैं लोग, डेढ़ महीने से मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ। एलएनटी के लोग आकर वहाँ पर आके ठहरते हैं, सिर्फ जेसीपी करते हैं, साहब काम चल रहा है, खोद रहे हैं, आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे बोलते। फिर इतना मामूली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो आप काम क्या कर सकते। ये लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, ये लायक नहीं है। यहाँ पर मेंटेनेंस वाटर बोर्ड वाटर सप्लाई को मेंटेन करने के लायक नहीं है। यहाँ पर कॉरपोरेशन जो बल्दिया जो जिम्मेदार हैं वो लोग वो काम करने के लायक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो लोग वहाँ पर काम करने के लिए सैलरी के लिए नहीं जा रहे, वहाँ पर रिश्वतखोरी कमीशन के लिए वहाँ पर नौकरी करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर सिर्फ पानी का नहीं, हर जगह पर हर मोहल्ले में ड्रेन का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम, रोड का प्रॉब्लम। क्या काम कर रहे हैं, क्या झकमारी कर रहे हैं ये लोग वहाँ पर कॉरपोरेशन में अंदर बैठ कर? एलएनटी के लोग झकमारी कर रहे हैं, क्यों देते हैं उनको वहाँ पर? प्राइवेट कंपनी को क्यों उनको काम दिया? यहाँ पर रोड मामूली सर्विस रोड नहीं बना सकते ये लोग, सर्विस रोड नहीं बना सकते। वहाँ पर रिंग रोड के जो मेंटेनेंस है वो मेंटेन नहीं कर सकते। वो डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन गई है एलएनटी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर भरोसा, उनके ऊपर दारोमदार, पूरे शहर की जिम्मेदारी एलएनटी के ऊपर रखने से काम नहीं होगा। बात करें कि एलएनटी कब तक एलएनटी बोलेंगे? क्या आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कॉरपोरेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या कर रहे हैं लोग, क्या झक मार रहे हैं लोग? आइए देखें, यहाँ पर देखिए, काम कीजिए,
लोग आपको वोट डालकर भेजते हैं, घरों के अंदर बैठकर खाली सियासत करने के लिए आपको वोट नहीं डालते, आवाम की खिदमत कीजिए, आपको अगर ऊपर वाला मौका दिया है तो खिदमत करने के लिए दिए हैं, लेकिन घर में बैठकर अपने फैमिली को देखने की ज़रूरत नहीं है, आवाम के लिए हैं आप लोग, काम कीजिए। कई डेढ़ महीने से अगर कोई अगर हादसा हो गया आप लोग जिम्मेदार होंगे, मैं वार्निंग कर रहा हूँ आप लोगों को।